या सो गुड इवनिंग वंस अगेन। हम लोगों ने नया चैप्टर शुरू किया था मेमोरी, ह्यूमन मेमोरी एक्चुअली में, जो कि हम इंसानों की होती है, जानवरों की भी होती है वैसे तो, और कंप्यूटर की भी होती है, तो वैसे हम ह्यूमन मेमोरी पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो हमने इसका इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था और हमने लास्ट जो टॉपिक किया था लेवल ऑफ प्रोसेसिंग क्रेक एंड लॉकहार्ट का। तो हमने लास्ट टॉपिक थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ। जैसे हमने सेंसरी मेमोरी के बारे में पढ़ा, शॉर्ट टर्म मेमोरी के बारे में पढ़ा, लॉन्ग टर्म मेमोरी के बारे में पढ़ा, तो ये सब तो सारा इम्पॉर्टेंट ही था। अब इसके बाद जो अब नया टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं वो टाइप्स ऑफ लॉन्ग टर्म मेमोरी है। और ये जो क्वेश्चन है ये बेसिकली क्या है कि आपका डिफरेंस बिटवीन भी आ जाता है, और भी काफ़ी तरीके से क्वेश्चन पूछे चले जाते हैं, इंडिविजुअल भी पूछ लेते हैं, या फिर एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आजकल थोड़ा सा हिट चल रहा है साइकोलॉजी में, तो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन भी आ जाता है। तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे समझ के चलना है कि कैसे ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म मेमोरी हमारी काफ़ी तरीके की होती है। टाइप्स ऑफ लॉन्ग टर्म मेमोरी के बारे में इन्होंने यहाँ पे बात करी है। तो ये क्या कहते हैं कि जैसे कि हम लोगों ने अभी फ़िलहाल पढ़ा भी थोड़ा सा कि शॉर्ट टर्म मेमोरी जो है, इसमें इन्होंने बोला है इज़ नाउ सीन एज कंसिस्टिंग ऑफ मोर देन वन कॉम्पोनेंट। इसमें एक वर्किंग मेमोरी भी आती है, अभी हमने वो पढ़ा नहीं है, हम उस पर बाद में बात करते हैं। तो कहते हैं इन द सेम वे इट इज़ सजेस्टेड है लॉन्ग टर्म मेमोरी टू इज़ नॉट यूनिटरी बिकॉज इट कंटेन्स अ वाइड वराइटी ऑफ इन्फॉर्मेशन। तो इसमें बहुत तरीके की इन्फॉर्मेशन एक्चुअली लॉन्ग टर्म मेमोरी में होती है, हमें नहीं पता चलता, ठीक है, बट एक्चुअली में ये देखा जाता है कि लॉन्ग टर्म मेमोरी प्रोसेसिंग अपने तरीके से कर रही होती है। अब ये जिसने पढ़ा है उसने यहाँ पे इसको एक्सप्लेन किया है, ठीक है, इस तरीके से। एक सेकेंड, हाँ एक सेकेंड, तो इसमें इन्होंने बोला कि इन व्यू दिस कंटेम्प्रेरी फॉर्मुलेशंस एनविसेज लॉन्ग टर्म मेमोरी इज कंसिस्टिंग ऑफ वेरियस टाइप्स। फॉर एग्जांपल, वन मेजर क्लासिफिकेशन विद इन LTM दैट इज लॉन्ग टर्म मेमोरी इज दैट ऑफ डेक्लेरेटिव एंड प्रोसीजरल मेमोरीज। तो दो तरीके की हमारी मेमोरीज यहाँ पे होती है, एक तो डेक्लेरेटिव है और एक प्रोसीजरल मेमोरीज। ठीक है, अभी आगे ये पढ़ेंगे, इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं ये। तो ध्यान देना, ऑल इंफॉर्मेशन पर्टेनिंग टू फैक्ट्स, नेम्स, डेट्स सच एज रिक्शा एज थ्री व्हील्स और इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट इन ऑगस्ट 15, 1947 और फ्रॉग इज एन एम्फीबियन और योर फ्रेंड योर शेम द सेम नेम, यू एंड योर फ्रेंड शेयर द सेम नेम आर पार्ट ऑफ डेक्लेरेटिव मेमोरी। ठीक है, डेक्लेरेटिव मेमोरी, तो फैक्ट्स हैं और इन्होंने बोला नेम्स हैं, डेट्स हैं, ये सब डेक्लेरेटिव मेमोरी के अंदर जाके स्टोर होता है। प्रोसीजरल मेमोरी ऑन द अदर हैंड, इन्होंने क्या बोला है, इट रेफर्स टू मेमोरी रिलेटेड टू प्रोसीजर्स फॉर अकम्पलिशिंग टास्क एंड स्किल्स सच एज हाउ टू राइड अ बाइसिकल, हाउ टू मेक अ टी, हाउ टू प्ले बास्केटबॉल। ठीक है, तो ये प्रोसीजरल है, तो जो प्रोसीजर आप यूज़ कर रहे होते हो, जैसे अब देखोगे डॉक्टर्स हैं तो डॉक्टर्स की प्रोसीजरल मेमोरी बहुत स्ट्रांग होती होगी, क्योंकि उनको बहुत सारी चीज़ें टेक्निक बॉडी ह्यूमन एनाटॉमी में काफ़ी सारी टेक्निकलिटीज होती है, तो उनको सारा समझना पड़ता है। And facts retained in the declarative memory are amenable to verbal description, while contents of procedure memory cannot be described easily. For example, when asked, you can describe how the game of cricket is played, but if someone asks you how do you ride a bicycle, you may find it difficult to narrate. तो आप क्रिकेट कैसे खेलते हैं हमें पता है, although आप ये भी बता दोगे साइकिल कैसे चलाते हैं, बट उसको देख के साइकिल आप चला नहीं सकते, सुन के कि साइकिल की सीट पर बैठो पैडल मारो साइकिल चल जाएगी, तो बैलेंस भी बनाना है, वो भी हमारी साइकी के ऊपर डिपेंड करता है, होता है, क्योंकि मोटर बैलेंस हमारे अंदर होता है, मोटर इम्बैलेंस हो जाएगा तो साइकिल भी बैलेंस नहीं होगी। ठीक है, ये चीज़ उन्होंने बताई। तो टल्विंग ने फिर प्रपोज किया है यहाँ पे कि डेक्लेरेटिव मेमोरी जो है दो तरीके की होती है, तो इसको यहाँ पे कहीं तक लिख लेना, डेक्लेरेटिव मेमोरी दो तरीके की है, अंडरलाइन कर लेना या कुछ कर लेना, याद रहेगा ताकि। तो प्रोसीजरल और डेक्लेरेटिव तो बता दिया, डेक्लेरेटिव मेमोरी इन्होंने बोला एपिसोडिक होती है और सिमेंटिक मेमोरी होती है, दो तरीके की होती है। एपिसोडिक मेमोरी क्या है, वही सारा डिफरेंस बिटवीन वन टू मार्कर आ जाता है ये। एपिसोडिक मेमोरी कंटेन्स बायोग्राफिकल डिटेल्स ऑफ आर लाइफ्स, मेमोरीज रिलेटेड टू आर पर्सनल लाइफ एक्सपीरियंसेस कॉन्स्टिट्यूट द एपिसोडिक मेमोरी एंड इट इज फॉर द रीजन दैट इट कंटेन्स आर जनरली इमोशनल इन नेचर। एंड हाउ डिड यू फील व्हेन यू स्टूड फर्स्ट ऑन योर क्लास, और हाउ एंग्री वॉज योर फ्रेंड एंड वट डिड यू से व्हेन यू डिड नॉट फुलफिल अ प्रॉमिस। इफ सच इंसिडेंट डिड एक्चुअली हैपन इन योर लाइफ, यू परहैप्स बी एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन विद रीजनेबल एक्यूरेसी।
ठीक है, तो आप इसको आराम से बता सकते हो ये क्या है, कैसे है, ये सब चीजें एक्सप्लेन कर सकते हो, इमोशनली नेचर है। एपिसोडिक को याद करने का क्या तरीका है, एपिसोड्स, आपकी लाइफ में जितने भी एपिसोड्स होंगे इमोशनली नेचर, ठीक है, या हैप्पीनेस इन हैप्पी नेचर, तो वो सब चीजें हम उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं। ऑल दो ये एक्सपीरियंसेस आप भुला नहीं सकते, येट इट इज इक्वली ट्रू दैट मेनी इवेंट्स टेक प्लेस कॉन्टिन्यूसली इन आर लाइफ एज दैट वी डू नॉट रिमेंबर ऑल ऑफ देम। बिसाइड देर आर पेनफुल एंड अनप्लेजेंट एक्सपीरियंसेज विच आर नॉट रिमेंबर्ड इन एज मच एज डिटेल एज लाइफ एक्सपीरियंसेज। कई बार कुछ पेनफुल मेमोरीज और ज्यादा हो जाती है और कई बार आप उसको भुलाने की भी कोशिश करते हो, बस स्टिल याद रहती है, आप किसी को बताते भी नहीं हो, तो ऐसा भी देखने को यहाँ पे मिलता है एपिसोडिक मेमोरी में। फिर जो है यहाँ पे बात आती है सिमेंटिक मेमोरी की। सिमेंटिक मेमोरी अभी हमने थोड़ा सा पीछे पढ़ा भी था इसके बारे में। ये मेमोरी हमारी जनरल अवेयरनेस एंड नॉलेज को लेकर रहती है, हमारे कॉन्सेप्ट्स, आइडियाज, रूल्स, लॉजिक सब सिमेंटिक मेमोरी में स्टोर होता है। फॉर एग्जांपल, इट इज बिकॉज ऑफ सिमेंटिक मेमोरी दैट वी रिमेंबर द मीनिंग ऑफ नॉन वायलेंस और रिमेंबर दैट 2 + 6 = 8 और द एसटीडी कोड ऑफ न्यू दिल्ली 011 और द वर्ड इलेफेंट इज मिसस्पेल्ड। अनलाइक एपिसोडिक मेमोरी दिस काइंड ऑफ मेमोरी इज नॉट डेटेड, तो हमें ये याद नहीं होता कि आपने ये पर्टिकुलर वर्ड कब याद किया है, बस याद हो जाता है, ठीक है, आपने कौन से पर्टिकुलर डेट पे याद किया है या कब क्या कुछ हुआ था। सिंस दैट द कंटेंट्स ऑफ सिमेंटिक अवेयरनेस, सिमेंटिक मेमोरी रिलेट्स टू फैक्ट्स एंड आइडियाज ऑफ जनरल अवेयरनेस एंड नॉलेज, इट्स अफेक्ट न्यूट्रल एंड नॉट ससेप्टेबल टू फॉरगेटिंग। तो इससे कोई आपको इफेक्ट नहीं होता, किसी ने आपसे कोई मीनिंग पूछ लिया तो आपको कोई बॉडीली इफेक्ट या इमोशनल इफेक्ट नहीं देखने को मिलता और आप भूलते भी नहीं हो, जो चीज़ आपको याद हो गई तो याद हो गई, ठीक है। तो ये आपका सिमेंटिक मेमोरी है। दो तरीके की मेमोरी आपको लॉन्ग टर्म में पहले बताएं, डेक्लेरेटिव प्रोसीजरल, ठीक है, डेक्लेरेटिव दो तरीके की है, एपिसोडिक और सिमेंटिक मेमोरी, ठीक है, इस तरीके से। इसके बाद आप पीछे आओ दोबारा 137 पेज पे, तो आप यहाँ पे देखोगे बॉक्स दिया हुआ है लॉन्ग टर्म क्लासिफिकेशन का, तो इसको आपको करना है, ठीक है, इसको हम लोग शुरू करें। तो इससे पहले मैं छोटा सा ब्रेक लेना चाहूँगा, जरा मैं पानी पी लूँ, मेरे को प्यास लग रही है, जस्ट अ सेकंड। हाँ जी, तो इसमें लॉन्ग टर्म मेमोरी क्लासिफिकेशन के बारे में बताया हुआ है। तो कहते हैं ऑब्वियसली सब लोगों की मेमोरी अलग अलग तरीके की होती ही है, सब लोग अलग अलग जगह अपना स्टोरेज कर ही लेते हैं, कोई ऑब्वियसली बताता नहीं है कि कौन कहाँ पे हुआ है। बट इसमें लॉन्ग टर्म मेमोरी को फर्दर फिर क्लासिफाई किया गया है, अपार्ट फ्रॉम डेक्लेरेटिव एंड प्रोसीजर मेमोरी, मेमोरी जो है हमारी फ्लैशबल्ब मेमोरीज भी होती हैं, ऑटोबायोग्राफिकल मेमोरी भी होती है, इम्प्लिसिट मेमोरी भी होती है। फ्लैशबल्ब मेमोरी क्या है, दीज आर मेमोरीज ऑफ इवेंट्स दैट आर वेरी अराउजिंग और सरप्राइजिंग, सच मेमोरीज आर वेरी डिटेल्ड, दे आर लाइक अ फोटो टेकन विद एन एडवांस मॉडल ऑफ कैमरा। तो ऐसी कई मेमोरीज होती है आपके आंखों के सामने है, देखो होगा, बहुत डिटेल्ड है, अस्टोनिशिंग या सरप्राइजिंग कभी कभी आप लोगों के लिए हो जाती है। यू कैन पुश द बटन एंड आफ्टर 1 मिनट यू हैव अ रिक्रिएशन ऑफ द सीन। यू कैन लुक एट द फोटोग्राफ व्हेनेवर यू वांट। फ्लैशबल्ब मेमोरीज आर लाइक इमेजेस फ्रोजन इन मेमोरी एंड टाइड टू पर्टिकुलर प्लेसेस, डेट्स एंड टाइम्स। परहैप्स पीपल पुट इन ग्रेट एफर्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ दीज मेमोरीज एंड हाईलाइटिंग डिटेल्स माइट लीड टू डीपर लेवल ऑफ प्रोसेसिंग एज वेल एज ऑफर मोर क्यूज फॉर रिट्रीवल, ठीक है। तो जैसे मुझे ये आज भी हमें याद है, लाइक मैं सबको ये बताता रहता हूँ, लाइक 2017 में आई बॉट अ न्यू कार, ठीक है, तो अमेज हमने ली थी और हम जैसे जुलाई में हम लोग चले गए, 3 महीने हुए थे तब गाड़ी को, तो हम लोग चले गए, हम लोग हर साल घूमने जाते थे, इस साल नहीं जा पाए तो हम लोग हिमाचल चले गए। हम हिमाचल चले गए, पहले हम लोग मनाली रुके, मनाली 1 दिन 2 दिन स्टे किया, फिर हमें आगे जाना था वहाँ से क्योंकि फ्रेंड्स ने 1-2 दिन बाद आना था, तो वहाँ से और अंदर लगभग 100 किलोमीटर तीर्थन वैली पड़ती है, वहाँ चले गए। तीर्थन वैली पहुँचे, अगले दिन हमारे फ्रेंड्स आए और वहाँ पे क्या हुआ, उसके 1 दिन के गैप के बाद वहाँ भयंकर लैंडस्लाइड हो गई और हमारी मेरी गाड़ी और मेरे एक फ्रेंड की और गाड़ी थी SUV बिल्कुल ख़त्म, टोटल पापड़, गाड़ी का पापड़ हो गया था लैंडस्लाइड। फॉर्चुनेटली हम लोग गाड़ी में नहीं थे, ठीक है, अगर हम होते तो हमारे भी पापड़ हो गया होता और मैं आपको नहीं पढ़ा रहा होता आज, ठीक है। तो थैंक्स टू गॉड, ठीक है, कि हम लोग, मैं यहाँ पे आज प्रेजेंट हूँ। तो उस टाइम पे क्या है, फ्लैशबल्ब मेमोरी, मुझे एग्जैक्टली डिटेल याद है, 10:30 बजे का टाइम था, हम लोग ब्रेकफास्ट कर रहे थे, हमें ये लगा कि ना लैंडस्लाइड की आवाज़ तो आ गई थी, हमें ये लगा जिस रेस्टोरेंट जहाँ पे हम लोग बैठे, इट्स कॉल्ड नॉट रेस्टोरेंट क्योंकि होम स्टे था वो, तो वहाँ पे ऐसा लगा कि वहाँ पे हो रहा है। तो पहले तो मैं अपना मोबाइल छोड़ के भागा, फिर मैं मोबाइल लेने के लिए भागा, फटाफट लेके भाग के आया तो देखा तो और कहीं लैंडस्लाइड हुआ है, तो इट वॉज जहाँ पे हमारी कार पार्क थी वहाँ हुआ। एंड वी रिमेंबर कि कब हुआ, 19 जुलाई की बात थी,
ठीक है इस तरीके से हुआ और इंसिडेंट इस टाइम का था, तो ये क्या है फ्लैशबल्ब मेमोरी है, मुझे एक एक सीन याद है हम क्या कर रहे थे क्या नहीं कर रहे थे। फिर क्योंकि क्या था, कॉटेज जो था वो रिवर क्रॉस करके था, तो हमें रिवर क्रॉस करके ट्रॉली में बैठ के रिवर क्रॉस करके जाना होता था, ठीक है इस तरीके से। तो ये सब चीज़ें जो है याद रह जाती, तो ये क्या है मेरे लिए फ्लैशबल्ब मेमोरी, ठीक है। तो जस्ट एन एग्जाम्पल हाउ फ्लैशबल्ब मेमोरी वर्क्स। फिर आती है ऑटोबायोग्राफिकल मेमोरी, तो आपने सुना भी होगा ऑटोबायोग्राफी, ठीक है ये होता भी है लोगों के साथ, तो याद रखते हैं। ऑटोबायोग्राफी हम लोग क्या होता है, खुद के लिए होता है ना, सेल्फ बायोग्राफी कॉल और कोई और लिखता है, ऑटोबायोग्राफी आप खुद लिखते हो। तो दीज आर पर्सनल मेमरीज, दे आर नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड इवनली थ्रू आवर लाइफ, सम पीरियड्स इन आवर लाइफ प्रोड्यूस मोर मेमरी देन अदर। तो कई बार होता है जैसे ओबेसिटी, चाहे रिद्धि सिफर मैं हूँ, कोई भी है आपकी फैमिली में, कहीं आपकी मेमरीज कहीं बहुत ज़्यादा होती हैं, आपको लग रहा होता है, मतलब आप उसको रेज्यूम करते हो। जैसे कई लोग जो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं तो उनके लाइफ में काफ़ी सारी मेमरीज बड़ी एक्साइटिंग से, दुखी होते हैं तो उनकी भी होती है, ऐसा नहीं होता। तो ये चीज़ है, तो जैसे उन्होंने बोला फॉर एग्जांपल, नो मेमरीज आर रिपोर्टेड पर्टेनिंग टू अर्ली चाइल्डहुड पर्टिकुलरली ड्यूरिंग द फर्स्ट टू फोर टू फाइव ईयर। चार से पाँच साल के जब आप होते हैं आपकी मेमरी कोई नहीं होती। आई होप आप लोगों को भी याद नहीं होगा, मुझे भी याद नहीं है। इसको हम लोग बोलते हैं चाइल्डहुड एमनीसिया, ये मार्क कर लीजिएगा, वन एंड टू मार्कर आ जाते हैं, आपसे पूछ लेते हैं दीज आर पर्टिकुलर मेमोरीज की इसमें आपको कुछ याद नहीं रहता और ये उस एज ग्रुप में होती है। तो ये चाइल्डहुड एमनीसिया है, फोर टू फाइव ईयर्स के आसपास होती है इस तरीके से। एंड देर इज अ ड्रामेटिक इंक्रीज इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ मेमोरी जस्ट आफ्टर अर्ली एडल्टहुड इन द ट्वेंटीज, परहैप्स इमोशनली नोवेल्टी एंड इंपॉर्टेंस ऑफ इवेंट्स कॉन्ट्रीब्यूट टू इट। ड्यूरिंग ओल्ड एज द मोस्ट रिसेंट ईयर्स ऑफ लाइफ आर लाइकली टू बी वेल रिमेंबर्ड, हाउएवर बिफोर दिस अराउंड 30 ईयर्स ऑफ एज डिक्लाइन इन सर्टेन काइंड ऑफ मेमोरी स्टार्ट्स। तो जैसे मैं 33 का हूँ तो मैं कभी कभी ये अज्यूम करता हूँ कि मेरी मेमोरी डिक्लाइन पे है क्या, तो मैं रियलाइज़ करता हूँ नहीं यार, मुझे तो सारी चीज़ें याद रहती है। तो आई एम वेरी थैंकफुल फॉर दैट ऑल्सो, कि मुझे काफ़ी सारी चीज़ें याद रहती हैं, ठीक है। तो ये इन्होंने यहाँ पे बताया, तो ये क्या है ऑटोबायोग्राफिकल मेमोरी। या एंड लास्ट जो है लॉन्ग टर्म मेमोरी क्लासिफिकेशन वो है इम्प्लिसिट मेमोरी, ठीक है। इम्प्लिसिट, तो इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट, एक्सप्लिसिट होती है एक्सटर्नल, इम्प्लिसिट होती है इंटरनल। इसमें क्या है हम लोग ये पढ़ लेते हैं। तो कहते हैं रीसेंट स्टडीज हैव इंडिकेटेड दैट मेनी ऑफ द मेमोरीज रिमेन आउटसाइड द कॉन्शियस अवेयरनेस ऑफ अ पर्सन, ज़्यादातर हमारी मेमोरी एक्सटर्नल होती है। इम्प्लिसिट मेमोरी इज अ काइंड ऑफ मेमोरी दैट अ पर्सन इज नॉट अवेयर ऑफ, इट इज अ मेमोरी दैट इज रिट्रीव ऑटोमेटिकली। वन इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल ऑफ इम्प्लिसिट मेमोरी कम्स फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ टाइपिंग, ठीक है। तो कभी जैसे किसी ने टाइप नहीं किया और वो टाइप करना है, बैठता है टाइप करना शुरू कर देता है, इम्प्लिसिट मेमोरी है। इफ समवन नोज टाइपिंग दैट मींस ही और शी आल्सो नोज अ पर्टिकुलर लेटर्स ऑन द कीबोर्ड, बट मेनी टाइपर्स कैन नॉट करेक्टली लेबल ब्लैंक कीज इन अ ड्राइंग ऑफ अ कीबोर्ड, ठीक है। आप ब्लैंक कर दो तो आपको भी टफ लगेगा, मिटा दो। अगर इम्प्लिसिट मेमोरीज लाई आउटसाइड द बाउंड्रीज ऑफ अवेयरनेस, इन अदर वर्ड्स वी आर नॉट कॉन्शियस ऑफ द फैक्ट दैट अ मेमोरी और अ रिकॉर्ड ऑफ गिवन एक्सपीरियंस एग्जिस्ट, नेवर्थलेस इम्प्लिसिट मेमोरीज डू इन्फ्लुएंस आवर बिहेवियर, हमारे बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करके चलता है। दिस काइंड ऑफ मेमोरी वॉज फाउंड इन पेशेंट्स सफरिंग फ्रॉम ब्रेन इंजरीज, दे वर प्रेजेंटेड अ लिस्ट ऑफ कॉमन वर्ड्स, अ फ्यू मिनट्स लेटर द पेशेंट वॉज आस्क्ड टू रिकॉल द वर्ड्स फ्रॉम द लिस्ट, नो मेमोरी वॉज शोन फॉर द वर्ड्स, याद नहीं था। However, if he or she was prompted to say a word that begins with these letters and two letters are given, the patient was able to recall words. So already store तो ज़रूर था, ऐसे पूछा गया तो नहीं, हमने थोड़ा सा hint दिया तो वो जाके काम करना शुरू कर। Implicit memories are also observed with people with normal memories. So जिन लोगों की normal memories भी होती है या चोट वोट नहीं लगी है, उन लोगों को भी implicit memories देखने को मिलती हैं, ठीक है। ये चीज़ इस तरीके से काम करती है, ठीक है। तो ये लॉन्ग टर्म मेमोरी था आपका, जिसमें डिक्लेरेटिव प्रोसीजर, डिक्लेरेटिव में एपिसोडिक सेमेंटिक एंड लॉन्ग टर्म मेमोरी में, और इन्होंने बताया फ्लैश बल्ब मेमोरी, ऑटो बायोग्राफिकल मेमोरी एंड इम्प्लिसिट मेमोरी, ठीक है, जो कि इंटरनल होता है हमारा, ठीक है। वो चीज़ बताइए या इसमें ये क्लियर है आप दोनों को, कुछ डाउट किसी को कुछ पूछना है, एग्जाम्पल्स दिए हुए थे तो कोई ऐसे डाउट नहीं आई थिंक, सिफट क्लियर है। ओके रिद्धि, ओके कूल, हाँ जी। तो ये सब कट गया है 139 से एक्चुअली में, तो आप 142 तक ये कट हो रखा है और आपको सीधा आना है नेचर एंड कॉजेज ऑफ फॉरगेटिंग, ठीक है। तो अब हम याद कर रहे होते हैं चीज़ें तो हम भूलते भी हैं चीज़ें, ठीक है। तो
वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप लोग अब रियलाइज़ करोगे कि हम भूलते क्यों हैं, ठीक है। तो आज पता चलेगा हमें, ज़िंदगी में कभी किसी ने नहीं बताया, सब लोग डांट मार देते थे, हम भूल जाते हो, पढ़ते नहीं हो, बैठते नहीं हो, कम से कम 2 घंटे बैठो, लिख लिख के प्रैक्टिस करो, ये करो, रट्टा मारो, तो याद होएगा। पर आज साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बताया जाएगा कि रिद्धि सिफत जैसे बच्चे और मेरे जैसे 33 ईयर्स वाले लड़के ठीक है, कैसे भूल जाते हैं, ठीक है। और ये सबके साथ है, ये कॉमन फिनोमेना है, सबके साथ है, मेरे साथ भी था, मैं भी भूल जाता था, आप लोगों के साथ भी होता होगा। तो ये होता है। तो नेचर एंड कॉजेज ऑफ फॉरगेटिंग के बारे में इन्होंने यहाँ पे बताया है, एक्सप्लेन किया है, पूरा काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है। मेमोरी का कुछ नहीं कवर होता है, तो ये कवर ज़रूर होता है, ठीक है। तो ये क्या कहते हैं, ईच वन ऑफ अस एक्सपीरियंस फॉरगेटिंग एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेस ऑलमोस्ट रूटीनली। तो मैंने आपको पहले बता दिया क्यों भूलते हैं, इट इज बिकॉज द इन्फॉर्मेशन वी कमिट टू अ लॉन्ग टर्म मेमोरी समहाउ लॉस्ट। तो अब ये ऐसा इंस्ट्रक्ट नहीं किया जाएगा, अब पता चलेगा रिद्धि पढ़ने बैठे से, पर अरे अरे भाई साहब आप लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाओ, आपको लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाना है क्योंकि टेस्ट है, ऐसा नहीं भूलोगे, किसी को पता भी नहीं होता। बट ग्रेजुअली मतलब नेचुरली हमारे साथ है कि हम लोग पढ़ रहे होते हैं या कुछ भी है, हमें याद नहीं रहता, भूल जाते हैं कभी कभी। इज इट बिकॉज वी डिड नॉट मेमोराइज इट वेल इनफ। तो मम्मी तो बोलती है पढ़ो बेटा, याद करो जोर लगा के, डंडे की जोर पे याद करने के लिए बोलते हैं। या इज इट बिकॉज वी डिड नॉट एनकोड द इन्फॉर्मेशन करेक्टली, ठीक है, जो पढ़ाया जो समझा उससे समझ नहीं आया या नहीं समझ पाए। और इज इट बिकॉज ड्यूरिंग स्टोरेज इट गॉट डिस्टॉर्टेड और मिसप्लेस, ठीक है, हम स्टोर करने की कोशिश कर रहे तो डिस्टॉर्ट हो गया, मिसप्लेस हो गया। Many theories have been forwarded to explain forgetting, and how will you read about those that seem plausible and have received considerable attention? The first systematic attempt to understand the nature of forgetting was made by Hermann Ebbinghaus. ठीक है, इसको आप याद रखिएगा इसका नाम। इसने पहला अटेम्प्ट किया था कि हम कैसे भूलते हैं। Who memorized list of nonsense labels, CVC trigrams such as knock or step or etc. ये हमने verbal learning में पढ़ा था, nonsense labels को उसने पढ़ा। एंड देन ही मेजर्ड द नंबर ऑफ ट्रायल्स ही टुक टू रीलर्न द सेम लिस्ट एट वेरिंग टाइम इंटरवल्स, अलग अलग टाइम पे उसने इसको याद करके प्रेजेंट करने की कोशिश करी। ही ऑब्जर्व दैट द कोर्स ऑफ फॉरगेटिंग अलाउज अ सर्टेन पैटर्न विच यू कैन सी इन फिगर 7.3। तो आप फिगर 7.3 देखोगे तो आप देखो लेफ्ट हैंड साइड पे दिया हुआ है बाय एक्सिस पे अमाउंट रिटेन परसेंट 0, 25, 50, 75 टाइम सिंस लर्निंग इन डेज 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3100 एंड अमाउंट फॉरगॉटन इन परसेंट, ठीक है। तो इधर राइट हैंड साइड पे दिया हो, तो ये क्या कहता है, देखो एक ग्राफ है, जो लाइन है वो ऊपर से नीचे आ रही है और आके फिर एक जगह पे स्टेबल होगी, ठीक है, और बीच में एक एरो दिया हुआ है जिसमें लिखा हुआ है अमाउंट फॉरगॉटन। आप कोशिश करते हो 100% की, शुरुआती दौर में गिरते 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 नीचे हो जाते, इतना भूल जाते हो, कुछ हिस्सा आप याद करके आपको याद रह जाता है, ऐसा ही होता है, ठीक है, सबके साथ, चाहे वो रिद्धि है सिद्धि है सिफत है विफत है अतुल है वतुल है, सबके साथ यही प्रॉब्लम है, ठीक है। एक्सेप्शंस आर ऑब्वियसली एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। तो एज अ फिगर इंडिकेट्स, ये एबिनगाउस कर्व ऑफ फॉरगेटिंग है, आपको कर्व नहीं बनाना है, आपको कर्व का थ्योरी याद रखनी है, तो आपको ध्यान रखिएगा। एज द फिगर इंडिकेट्स द रेट ऑफ फॉरगेटिंग इज मैक्सिमम इन द फर्स्ट 9 आवर्स पर्टिकुलरली ड्यूरिंग द फर्स्ट आवर, ठीक है। तो शुरुआती दौर में आप भूलते चलते हो, अब जैसे सिंपल सी बात है, अब याद करने बैठोगे और याद कर रहे हो और फिर छोड़ दिया या कुछ भी हो गया, गैप ले लिया कुछ हो गया, तो भूल जाओगे, फिर बैठोगे अरे यार ये तो याद ही नहीं हो रहा, फिर दोबारा करना है, इसमें क्या लिखा था, भूल गए, ठीक है। आफ्टर द रेट स्लोज डाउन एंड नॉट मच इज फॉरगॉटन इफ नॉट आफ्टर मेनी डेज, ऑल्दो एबिनगाउस एक्सपेरिमेंट कॉन्स्टिट्यूटेड इनिशियल एक्सप्लोरेशन एंड वर नॉट वेरी सोफिस्टिकेटेड, येट दे हैव इन्फ्लुएंस्ड मेमोरी रिसर्च इन मेनी इंपॉर्टेंट वे। इट इज नाउ अपहेल्ड almost unanimously that there is always a sharp drop in memory and therefore the decline is very gradual. Let us now examine the main theories which have been explained, advanced to explain the everything. तो यही शुरुआती दौर में आप याद ज़्यादा करते हो, धीरे धीरे वो गिर जाती है, और एक पॉइंट ऐसा आता है जब कॉन्स्टेंट हो जाता है, तो कॉन्स्टेंट रिटेन्ड में देख रहे हो आप, पैरेलल लाइन चल रही है और इतना जो है काफ़ी 70, लगभग 75% के आसपास आप भूल जाते हो, तो एग्जैक्ट में आपको 100 में से 25% के आसपास याद रहता है, ठीक है। तो वो चीज़ है कि इन्होंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया, ये एबिनगाउस कर्व ऑफ फॉरगेटिंग है। कई स्कूल में ये क्वेश्चन दे देते हैं, कई में नहीं देते हैं, तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आपको करना है। अब इन्होंने बोला है हम लोग भूलते क्यों हैं, ठीक है,
तो ये तीन तरीके हैं कैसे भूल जाते हैं, नेचर एंड कॉजेज ऑफ फॉरगेटिंग, फॉरगेटिंग ड्यू टू ट्रेस डीके, फॉरगेटिंग ड्यू टू इंटरफेरेंस एंड फॉरगेटिंग ड्यू टू रिट्रीवल फेलियर। ये तीन तरीके हैं जिसकी वजह से हम भूल जाते हैं, ठीक है। और ये आपसे स्पेसिफिकली भी पूछ लेते हैं 4-4 मार्कर, या फिर कंपैरिजन भी पूछा चला जाता है, या कभी कभी दो भी इकट्ठे पूछे चले जाते हैं, तो ये आप ध्यान से करिएगा। ओवरऑल क्वेश्चन 4 और 6 मार्क्स का है। नेचर एंड कॉजेज ऑफ फॉरगेटिंग अगर आता है तो एबिंगहाउस का कर्व लिखने की जरूरत नहीं है, आपसे सीधा ये पूछ लेंगे कि व्हाट आर द कॉजेज ऑफ फॉरगेटिंग, और इसमें आपको सबसे पहले बताओगे फॉरगेटिंग ड्यू टू ट्रेस डीके। ट्रेस डीके क्या कहता है, ध्यान से सुनिए, ध्यान से देखिए इस टॉपिक को। ट्रेस डीके, इसको डिसयूज थ्योरी भी बोला जाता है, विच इज द अर्लीस्ट थ्योरी ऑफ फॉरगेटिंग। द अजम्पशन हियर इज दैट मेमोरी लीड्स टू मॉडिफिकेशन इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम विच इज एकिन टू फिजिकल चेंजेस इन द ब्रेन कॉल्ड मेमोरी ट्रेसेस। तो आप क्या करते हो, डे बाय डे कुछ ना कुछ याद कर रहे हो, ठीक है। रिद्धि बैठी है, सिफत बैठा, मैं बैठा हूँ, ठीक है। तो रिद्धि सिफत है कि जिसको याद करने वाला काम है, मुझे तो नहीं है, आप लोगों को ज़्यादा है। सोशोलॉजी करनी है, साइकोलॉजी करनी है, इकोनॉमिक्स करनी है, इंग्लिश करनी है, पॉल साइंस करनी है, ये करना है, वो करना है, साइकोलॉजी, बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने आ जाती है, ठीक है। और इसकी वजह से हमारा मेमोरी सिस्टम में चेंजेस हो रहे होते हैं, और जो कि इन्होंने यहाँ पे बताया। तो क्या होता है, जो भी चीज़ें आप याद करते हो तो वो ट्रेसेस के फॉर्म में याद होती है, आपके दिमाग में स्टोर होती रहती है, आंदो, ठीक है, इस तरीके से। एंड व्हेन दीज मेमोरी ट्रेसेस आर नॉट यूज फॉर अ लॉन्ग टाइम, दे सिंपली फेड अवे एंड बिकम अनअवेलेबल, ठीक है। अब रिद्धि ने बड़ी मेहनत करी, ट्रेसेस बनाए, या खुद किसी तरीके से याद किए, पॉइंटर्स बना के ऐसी सिफत नहीं किया, उसके बाद जो है अगर उसको यूज नहीं किया गया तो आप भूल जाते हो। This theory has been proved inadequate on several grounds if forgetting takes place because memory traces decay due to disuse. ठीक है, अगर ये कहते हैं कि memory traces आप use नहीं करते हो तो जो है आपको जो है इस तरीके से भूल जाते हो, then people who go to sleep after memorizing should forget more compared to those who remain awake. तो जब आप सोने चले जाते हो तब भी आपको भूलना चाहिए, simply because there is no way in which memory traces can be put to use during sleep. Results however show just the opposite. Those who remain awake after memorizing show greater forgetting than those who sleep. तो कहते हैं, जब भी कहते हैं, मतलब ये बड़ा टैक्टिक है अपने लिए भी यूज़ करना, आप जब सोने जा रहे हो उसके एक घंटे पहले रीड करो, एक घंटे पहले कुछ चीज़ याद करो, एक घंटे का टारगेट लो, कोई टॉपिक निकाल लो इस तरीके से और उसको पढ़ के सो जाओ, तो ज़्यादा अच्छे से लर्न होएगा आपको, ट्राई करके देखना, बहुत अच्छे से लर्न होता है। तो जो जगह रहेंगे माइंड के ऊपर, क्योंकि प्रेशर पड़ता है, ठीक है, माइंड प्रेशर ज़्यादा लेगा, याद नहीं कर पाओगे तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। आप पढ़ के सो जाते हो, अच्छे से याद करके, तो अच्छे से आपको रिटेन भी कर पाते हैं। एंड बिकॉज ट्रेस डीके थ्योरी डिड नॉट एक्सप्लेन फॉरगेटिंग एडिक्वेटली, इट वॉज सून रिप्लेस बाय अनदर थ्योरी ऑफ फॉरगेटिंग विच सजेस्टेड दैट न्यू इन्फॉर्मेशन दैट एंटर्स द एलटीएम इंटरफेस विद द रिकॉल ऑफ अदर मेमोरीज इंटरफेरेंस द मेन कॉज ऑफ फॉरगेटिंग, ठीक है। तो इन्होंने बोला था इंटरफेरेंस की वजह से आप ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, तो इंटरफेयर अगर किसी तरीके का होता है तो आप भूल जाते हो, ठीक है, क्योंकि आपने एक चीज़ याद करी है, फिर किसी चीज़ का इंटरफेरेंस आ जाएगा तो फिर वो भूल जाओगे, फिर किसी और का आएगा जो याद किया वो भूल जाओगे, तो ऐसा ही होता है, ठीक है, देखा जाए तो। अरे ओके, तो ये क्या कहते हैं इंटरफेरेंस वाला, इफ फॉरगेटिंग इज नॉट ड्यू टू ट्रेस डीके देन व्हाई डज इट टेक प्लेस। अ थ्योरी ऑफ फॉरगेटिंग दैट हैज परहैप्स बीन द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल वन इज दैट इंटरफेरेंस थ्योरी विच सजेस्ट दैट फॉरगेटिंग इज ड्यू टू इंटरफेरेंस बिटवीन वेरियस इन्फॉर्मेशन एंड मेमोरी स्टोर कंटेंट्स। जैसे मैंने बताया पांच सब्जेक्ट है, 6 सब्जेक्ट है, एक के बाद एक करते रहोगे, इंटरफेयर करेगा तो दिक्कत होगी। This theory assumes that learning and memorizing involve forming of association between items once acquired. These associations remain intact in the memory. तो जैसे हम कोई भी टॉपिक याद कर रहे होते हैं, हम एसोसिएट करके चलते हैं, अच्छा इसका ऐसा लिंक है, इसका ऐसा लिंक, अच्छा इसका मतलब ये है, वो अच्छा दिमाग में बैठ गया, तो ये सेट हो जाते हैं, मेमोरी में रहता है, और जब रिकॉल करने का टाइम आता है उसको रिकॉल कर लेते हैं। पीपल कीप एक्वायरिंग न्यूमरस सच एसोसिएशन एंड ईच ऑफ दीज रेस्ट इंडिपेंडेंटली विदाउट एनी म्यूचुअल कॉन्फ्लिक्ट। तो हम लोग बहुत सारे एसोसिएशन बनाते हैं, इसमें कोई म्यूचुअल कॉन्फ्लिक्ट भी नहीं होता, क्योंकि ये हमारे एसोसिएशन का पार्ट है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। हाउएवर इंटरफेरेंस कम्स अबाउट अ टाइम
of retrieval when these various sets of association compete with each other for retrieval. तो आप पता चले आप वहाँ पे सोशोलॉजी का पेपर कर रहे हो, उधर से साइकोलॉजी दिमाग में आ रही है, बड़ा बुरा हाल हो जाता है. सीरियसली मेरे साथ भी होता था कि हम कुछ याद कर रहे हैं, उधर से कुछ याद आ रहा है, उधर से कुछ याद कर रहे हैं, कॉमन फिनोमेनन गाने चल रहे हैं, है ना, तो पीछे से गाने चल रहे हैं और बोलो तारा रारा आ, तारा रारा आ, तो अब क्योंकि सुन लिया है तो वो मेमोरी में स्टोर हो गया है, क्योंकि एसोसिएट कर लिया गया था. जब हम पढ़ रहे थे तो बोलो तारा रारा बज रहा था, तो बोलो तारा रारा बज रहा है, ठीक है. तो इस तरीके से हमें देखा जाता है. तो ये चीज़ कभी कभी देखने को हमें मिलती है, काफ़ी लोगों के साथ होता है. हाउएवर ये इन्होंने बोला, दिस इंटरफेरेंस प्रोसेस विल बिकम क्लियरर विद अ सिंपल एक्सरसाइज. रिक्वेस्ट योर फ्रेंड टू लर्न टू सेपरेट लिस्ट ऑफ नॉनसेंस लेबल्स, लिस्ट ए एंड लिस्ट बी, वन आफ्टर द अदर, एंड आफ्टर अ वाइल आस्क हिम टू रिकॉल द नॉनसेंस लेबल्स ऑफ लिस्ट ए. इफ वाइल ट्राइंग टू रिकॉल द आइटम ऑफ लिस्ट ए ही और शी रिकॉल सम ऑफ द आइटम ऑफ द लिस्ट बी, इट इज बिकॉज एसोसिएशन फॉर्म वाइल लर्निंग लिस्ट बी आर इंटरफेयरिंग विद द अर्लियर एसोसिएशन विच वाज फॉर्म्ड वाइल लर्निंग लिस्ट ए. इन्होंने थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करके लिखा हुआ है, भाई लिस्ट ए लिस्ट बी लर्न कर रहे हो और लिस्ट ए बोलते बोलते लिस्ट बी के कोई आंसर्स घुसा दिए, तो जो है क्या इंटरफेरेंस है, ऐसा होता है ना. पॉइंट्स कुछ लिखने हैं, आंसर किसी और का लिखाते हैं, हमारे साथ भी होता है. ये क्या है इंटरफेरेंस, आज हमें पता चला है ये सर हमारे साथ क्यों होता था. क्वेश्चन तो कुछ लिखा है, आंसर कुछ लिख देते थे, पता तो होता था पर लिखा कुछ चला जाता था, ठीक है. सो देयर आर एटलीस्ट, अब इसको मार्क कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, ये अलग से पूछ लेते हैं. दो तरीके का इंटरफेरेंस होता है जो कि फॉरगेटिंग क्रिएट करता है. इंटरफेरेंस प्रोएक्टिव होता है, फॉरवर्ड मूविंग, आगे बढ़ता हुआ इंटरफेरेंस, विच मीन्स व्हाट यू हैव लर्नड अर्लियर, वट यू हैव लर्न अर्लियर, पहले जो आपने याद किया है, इंटरफेयर्स विद द रिकॉल ऑफ योर सब्सिक्वेंट लर्निंग, ठीक है. सब्सिक्वेंट लर्निंग यानी इंटरफेरेंस है जो आपने पहले याद किया है और जो बाबा ये आगे याद कर रहे हो. आगे याद करने वाला पीछे वाले से थोड़ा सा मेल नहीं खाता, उनके बीच में लड़ाई झगड़ा हो रहा होता है दिमाग के अंदर, ठीक है, उससे इंटरफेरेंस है. ये पहला इंटरफेरेंस. फिर उन्होंने बोला रेट्रोएक्टिव लर्निंग, रेट्रोएक्टिव होता है हमारा विच इज़ बैकवर्ड मूविंग, विच रेफर्स टू डिफिकल्टी इन रिकॉलिंग व्हाट यू हैव लर्नड अर्लियर बिकॉज ऑफ लर्निंग अ न्यू मटेरियल, ठीक है. तो ये क्या कहते हैं, विच रेफर्स टू डिफिकल्टी इन रिकॉलिंग व्हाट यू हैव लर्नड अर्लियर बिकॉज ऑफ लर्निंग अ न्यू मटेरियल. तो आप जो नई चीज़ याद कर पाते हो, ठीक है, लिखा हुआ है क्लियरली. कभी कभी ऐसा देखो, कभी कभी ये होता है ज़्यादातर, जैसे मतलब होते थे दोनों चीज़ें हैं, पर ऐसा देखने को मिल जाता है हमें कि विच रेफर्स टू डिफिकल्टी इन रिकॉलिंग वट यू हैव लेफ्ट लर्न अर्लियर, पहले जो आपने चीज़ें याद करी है बिकॉज ऑफ लर्निंग अ न्यू मटीरियल. तो नया मटीरियल आप याद कर रहे होते हो हर बार, उससे इंटरफेरेंस की वो दिक्कत करना शुरू कर देता है. स्लाइटेस्ट सा डिफरेंस है. इन अदर वर्ड्स प्रोएक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होता है, आगे लिखा हुआ है, पास्ट लर्निंग इंटरफेस विद द रिकॉल ऑफ लेटर लर्निंग, वाइल रेट्रोएक्टिव इंटरफेरेंस द लेटर लर्निंग इंटरफेस विद द रिकॉल ऑफ पास्ट लर्निंग. तो अभी जो याद किया है उससे पहले वाले की दिक्कत होगी और रेट्रोएक्टिव में, और पहले वाला जो याद किया उससे अभी वाले को दिक्कत होगी, वो प्रोएक्टिव है. बस एज ये इन्होंने समझाया. तो इन्होंने एक एग्जांपल भी दिया है, इफ़ यू नो इंग्लिश एंड यू फाइंड डिफिकल्ट टू लर्न फ्रेंच, इट इज़ बिकॉज ऑफ प्रोएक्टिव इंटरफेरेंस. एंड इफ ऑन द अदर एंड यू कैन नॉट रिकॉल इंग्लिश इक्विवेलेंट ऑफ फ्रेंच वर्ड्स दैट यू आर करंटली मेमोराइजिंग, इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ रेट्रोएक्टिव इंटरफेरेंस. And a typical experimental design is that is used to demonstrate proactive and retroactive interference has been presented in table 7.1. इसके करने की ज़रूरत नहीं है, read कर लेना, बस ये example याद रखना, ठीक है. ये इन्होंने यहाँ पे बात समझाई है इसकी. तो ये आपका था interference, which is very simple. और last जो है retrieval failure है, आप retrieve ही नहीं कर पाते हो, ठीक है. जब आया टेस्ट का टाइम तो ऐसे सर ऐसे मुंह पे हाथ रख के बैठे हैं, क्योंकि दिमाग में तो आंसर ही नहीं आ रहे जो क्वेश्चंस आए हैं, तो खोपड़ी हो गई ख़राब और याद नहीं आ रहा है, तो फिर दिक्कत होता है. जब याद नहीं आ रहा है तो रिट्रीवल फेलियर है. तो फॉरगेटिंग कैन अकर नॉट ओनली बिकॉज द मेमोरी ट्रेसेज हैव डिकेड ओवर टाइम और बिकॉज इंडिपेंडेंट सेट्स ऑफ स्टोर्ड एसोसिएशन कॉम्पीट एट द टाइम ऑफ रिकॉल, बट ऑल्सो बिकॉज एट द टाइम ऑफ रिकॉल ईदर द रिट्रीवल क्यूज आर एबसेंट और दे आर इनअप्रोप्रिएट. तो जब भी हम लोग जो है ना, जैसे लोग माइंड मैप्स बनवाते हैं, कलर्स करा देते हैं पॉइंट्स, ठीक है, थोड़ा सा एसोसिएशंस क्रिएट कराते हैं, थोड़ा याद रहता है. रिट्रीवल क्यूज आर एड्स विच हेल्प अस इन रिकवरिंग इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड इन द मेमोरी. तो हम जब भी याद करो, कोशिश करना जितने भी रिट्रीवल क्यूज आप बना पाओ अपने लिए, उससे ज़्यादा आपको अच्छे से याद होगा और अच्छा आराम से निकाल भी पाओगे उसको लिखते वक्त. दिस व्यू वॉज एडवांस बाई टलविंग एंड इज एसोसिएट हू कैरीड आउट सेवरल एक्सपेरिमेंट टू शो दैट कंटेंट्स ऑफ मेमोरी मे बिकम इनएक्सेसिबल either due to absence or inappropriateness of retrieval cues that are available employed at the time of recall, ठीक है. तो अगर नहीं हो पाता है, inaccessible हो रहा है, तो आप नहीं लिख पाओगे या
भूल जाते ही हो, उसकी वजह से ही नहीं लिख पाते, तो ये इन्होंने यहाँ पे समझाया। ये था आपका, ठीक है, ये इन्होंने यहाँ पे बताया फॉरगेटिंग ड्यू टू ट्रेसिंग के इंटरफेरेंस एंड रिट्रीवल फेलियर। इसमें हाँ छोटी सी वो एक्सरसाइज दी हुई है, नीड नॉट एन इशू, उसको करने की जरूरत नहीं है। ओके, ये क्लियर है सबको, कोई डाउट विद डी एंड सिफर, यहाँ पे कुछ नहीं समझ आया हो? ठीक है, क्लियर है तो बहुत अच्छी बात। ओके सर, ओके सर, ओके, थैंक यू रिद्धि एंड सफर जी। या और लास्ट जो है, अब हम चाहते हैं, सारे लोग, सारे इंसान चाहते हैं हमारी मेमोरी बढ़िया हो जाए, एकदम मस्त रापचिक, जो भी दिमाग में याद है फटाफट आंसर, सब लोगों के 100 on 100 में से 105, क्यों? क्योंकि मैम 5 marks मेमोरी एनहेंसमेंट के भी देंगी, ठीक है, तो ऐसा देखने को मिल रहा होता है हमें, तो एनहेंसिंग सब लोग अच्छी चाहते हैं, तो ये चाहते हैं कि हमारी अच्छी से अच्छी मेमोरी रहे। जैसे पहली लाइन लिखी हुई है, अभी किसी का रिसेंट में टेस्ट था तो यहाँ पे ये क्वेश्चन आया हुआ था कि ऑल ऑफ अस डिजायर टू पोजेस एन एक्सेलेंट मेमोरी सिस्टम दैट इज रोबोस्ट एंड डिपेंडेबल, एक्सप्लेन। ठीक है, तो कैसे एक्सप्लेन कर रहा है, तो ये सारा लिखना पड़ा था उसमें। तो हम लोग सब चाहते हैं कि हमारी मेमोरी इंटैक्ट रहे, भूले ना, ठीक है। हु ऑफ्टन ऑल लाइक्स टू फेल सिचुएशन ऑफ मेमोरी फेलियर एंड लीड टू सो मच एंजाइटी एंड एम्बैरेसमेंट, तो कोई भी नहीं चाहता, पता चले कुछ नहीं गया, किसी ने कुछ लर्न करने के लिए दिया, स्टेज पे गए तो भूल गए, ठीक है। सो ऑफ्टन लर्निंग अबाउट वेरियस मेमोरी रिलेटेड प्रोसेस यू सर्टेनली वुड लाइक टू नो हाउ योर मेमोरी कैन बी इम्प्रूव, तो कैसे हमारी मेमोरी ठीक हो सकती है। देर आर नंबर ऑफ स्ट्रैटेजीज फॉर इम्प्रूविंग मेमोरी, इसको बोलते हैं हम लोग निमोनिक्स, ठीक है, प्रोनाउंस एज निमोनिक्स, निमोनिक्स टू हेल्प यू इम्प्रूव योर मेमोरी। सम ऑफ दीज निमोनिक्स इन्वॉल्व यूज ऑफ इमेजेस वेयर एज अदर्स एम्फसाइज सेल्फ इंड्यूस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लर्न इन्फॉर्मेशन। तो निमोनिक्स का बहुत लोग यूज कर रहे होते हैं, हम तो नहीं करते, अब पता चलेगा कैसे करना चाहिए, तो आप लोग करना अच्छा रहेगा। कई लोग, हम लोग, हमारे अपने तरीके होते हैं, हम उस तरीके से लर्न करने की कोशिश करते हैं। तो निमोनिक्स मेमोरी इंप्रूवमेंट के लिए यूज़ किया जाता है। सबसे पहले इन्होंने बताया निमोनिक्स यूजिंग इमेजेस, दो तरीके हैं इसमें, द कीवर्ड मेथड एंड द मेथड ऑफ लोकाय, ठीक है, लोकाय, लोसी, मतलब इस तरीके से बोला जाता है। देखिए तो इसमें इन्होंने बोला है निमोनिक्स यूजिंग इमेजेस रिक्वायर दैट यू क्रिएट विविड एंड इंटरेक्टिंग इमेजेस ऑफ अराउंड द मटेरियल विच टू रिमेंबर। द टू प्रोमिनेंट निमोनिक डिवाइसेस आर कीवर्ड एंड मेथड ऑफ लोकाय। कीवर्ड मेथड क्या कहता है, सपोज यू वांट टू लर्न वर्ड्स ऑफ एनी फॉरेन लैंग्वेज, इन कीवर्ड मेथड एन इंग्लिश वर्ड अजम्पशन इज दैट यू नो इंग्लिश लैंग्वेज, दैट साउंड सिमिलर टू द वर्ड ऑफ फॉरेन लैंग्वेज इज आइडेंटिफाइड। तो हम जैसे सेम है, अब जैसे मैं तुम्हें बताता हूँ, इंग्लिश में बोलते हैं हम अपार्टमेंट, जिसको आई होप किसी के पास, सिफत की सिस्टर के पास जर्मन है, तो जर्मन में अपार्टमेंट को बोलते हैं अपार्टमों बोलते हैं। तो अपार्टमेंट एंड अपार्टमों हालांकि सिमिलर वर्ड है, हमें याद हो जाएगा इजीली। इन्होंने क्या बोला, सिमिलर साउंड हो उसको आइडेंटिफाई करेंगे, दिस इंग्लिश वर्ड विल फंक्शन इज द एज द कीवर्ड। फॉर एग्जाम्पल इफ यू वॉन्ट टू रिमेंबर द स्पेनिश वर्ड फॉर डक, स्पेनिश वर्ड फॉर डक इज विच इज पेटो, डक को पेटो बुलाया जाता है, यू मे चूज पॉट एज द कीवर्ड and then evoke images of keyword and target word you want to know and imagine them as interacting. तो कुछ भी associate कर सकते हो, जैसे मुझे याद करना था तो मैंने बोल दिया मैम ने जो मुझे सिखाया था, ठीक है, तो अपार्टमेंट को अपार्टमो बोलते थे, अपार्टमो, तो मैं अपार्टमेंट इमेजिन करता हूँ, अपार्टमेंट, अपार्टमो, इस तरीके से, तो ये मुझे याद हो गया। तो अकॉर्डिंगली कोई भी एसोसिएशन किस तरीके से क्रिएट कर सकता है। एंड यू माइट इन दिस केस इमेजिन अ डक इन अ पॉट फुल ऑफ वाटर, तो ऐसे भी कर सकते हो कि डक जो है पॉट फुल ऑफ वाटर में बैठी है, बैठा है या बैठी। सो दिस मेथड ऑफ लर्निंग वर्ड्स ऑफ अ फॉरेन लैंग्वेज इज मच मोर सुपीरियर कम्पेयर टू एनी काइंड ऑफ रोड मेमोराइजेशन। तो पिक्चराइजेशन करके आप ये इमेजिन कर रहे होते हो तो ज़्यादा ईजी होता है, ऑल दो ये हर केसेज में पॉसिबल नहीं है जहाँ पे आपको डिटेल में लिखना होता है, ठीक है। फिर अगर मेथड ऑफ लोकाय, ये बड़ा सिंपल सा है, क्योंकि ये बड़ा अच्छा तरीका है, क्योंकि ना मैं तो भूल जाता था, ठीक है, अब मेरे को याद है, मैं बचपन में ऐसे भूलता था, अब मेरे साथ दोबारा ये होने लग गया है, बीच में सही था फिर ऐसा हो जाता है। मैं मार्केट जाता हूँ तो मैं जैसे लिस्ट ऑफ आइटम्स है, मैं सोचता हूँ मुझे याद रहेगा, बचपन से प्रॉब्लम है, एक आइटम पक्का भूलूंगा, डेफिनेटली फॉर श्योर, फिर से हो रहा है मेरे साथ, अभी 4-5 महीने हो गए। तो इसमें क्या होता है, इन ऑर्डर टू यूज द मेथड ऑफ लोकाय, आइटम्स यू वॉन्ट टू रिमेंबर आर प्लेस एज ऑब्जेक्ट्स अरेंज इन अ फिजिकल स्पेस इन द फॉर्म ऑफ विजुअल इमेजेस, ठीक है। तो जैसे इमेजिन की जैसे
आप लोगों का किचन है, किचन है नॉट बेडरूम, बेडरूम में चीजें इतने एसेंशियल नहीं होती, किचन है। अब किचन में कहीं भी कुछ है, कहीं भी कुछ है, कहीं भी कुछ है। दिस मेथड इज पर्टिकुलरली हेल्पफुल इन रिमेम्बरिंग आइटम्स इन अ सीरियल ऑर्डर। इट रिक्वायर्स दैट यू फर्स्ट विजुअलाइज ऑब्जेक्ट्स दैट यू नो वेल इन स्पेसिफिक सीक्वेंस। इमेजिन द ऑब्जेक्ट्स यू वॉन्ट टू रिमेंबर एंड एसोसिएट देम विद वन टू बी फिजिकल लोकेशन। अब जैसे मम्मी ने बोला कि जा सिफत जा, जी ले अपनी जिंदगी, एक काम कर, बासमती चावल लेके आने हैं, गोभी लेके आनी है, आलू लेके आने हैं, ठीक है, और मटर लेके आने हैं, पनीर लेके आना है, और क्या लाना है, और देसी घी लेके आना है, ठीक है, इस तरीके से अब सिफत जाएगी। अब ये एसोसिएशन किस तरीके का है, ये सिंपल सी बात है, हमें हम इमेजिन करेंगे हमें पुलाव बना रहे हैं, ठीक है, तो पुलाव बना रहे हैं तो मम्मी ने ऐसे, अब भूल इसमें भूल सकते हैं, अब जैसे मैंने बोला मैं शायद भूल गया हूँ, तो अब बासमती चावल खत्म है, अच्छा बासमती चावल में मम्मी क्या क्या डालती थी, तो इमेजिन करना, अच्छा मम्मी ने, मम्मी देसी घी भी डालती है, ओके एसोसिएशन है। दूसरा ये मटर, अच्छा पनीर भी डालती थी, आलू भी डालती, गोभी भी डालती है, एसोसिएशन क्रिएट कर देंगे। अब इसमें एक और एसोसिएशन क्या है, जैसे अच्छा गोभी बोले मम्मी, गोभी यहाँ रखते हैं, देसी घी, अच्छा देसी घी यहाँ चावल के डिब्बे के साथ रखे जाते हैं, तो आप इससे पिक्चर क्रिएट कर लेते हो। जैसे इन्होंने अब इसको अच्छे से समझाया है, फॉर एग्जाम्पल सपोज यू वॉन्ट टू रिमेंबर ब्रेड एग्स टोमेटोज एंड सोप ऑन योर वे टू द मार्केट। अगर अलग अलग आइटम है, यू मे विजुलाइज अ लोफ ऑफ ब्रेड एंड एग्स प्लेस्ड इन योर किचन। आप ऐसे भी, मैं ब्रेड और ऑमलेट खा रही हूँ, टोमेटोज कैप्ट ऑन टेबल सोप, टमाटर का सूप पी रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल ब्रेड ऑमलेट के साथ, एंड सोप इन द बाथरूम। When you enter the market, all you need to do is to take a mental walk along the route from your kitchen to the bathroom, recalling all the items of your shopping list in a sequence. ठीक है, तो चावल है, चावल पुलाव खा रहे हैं, पुलाव पुलाव खा रहे हैं, पनीर का हमने वो बना लिया सैलड, तो वो खा रहे हैं, तो याद रहेगा ओहो पुलाव के साथ पनीर का सैलड, चाट मसाला नींबू डाल के मज़ा आ जाएगा भाई साहब। और मम्मी ने एडिशनली फ़ोन करके एक और बोल दिया, रिद्धि बेटा एक कोक की बॉटल भी लेके आई हो। रिद्धि बोलेगी यार मम्मी यार ये याद हो नहीं रहा है, आप कोक की बॉटल भी बोल दिया आपने, तो आप फिर बोलोगे मम्मी कोक भी पियेंगे, मज़ा आएगा, पनीर नींबू डाल के चाट मसाला फिर पुलाव एंड कोक, ओए ओए ओए, तो मज़ा आ गया। ठीक है, तो ऐसा एसोसिएशन आप क्रिएट कर सकते हो, इसको मेथड ऑफ लोकाय बोल। ठीक है जी, ये था निमोनिक्स यूजिंग इमेजेस। एंड इसके बाद जो है बात आती है निमोनिक्स यूजिंग ऑर्गेनाइजेशन, जो कि हमारा लास्ट टॉपिक ऑफ कोरोना काल है। ठीक है, इन्होंने बताया ना हमारा सिलेबस ख़त्म हो जाएगा, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे ही नहीं, हम सब छोड़ छाड़ के छुट्टी लेके बैठेंगे, ऐसा मैं सोच रहा था बट करूँगा नहीं, ठीक है, क्योंकि मैं ऐसा नहीं करता हूँ। एनीवे, तो निमोनिक्स यूजिंग ऑर्गेनाइजेशन क्या कहते हैं, ऑर्गेनाइजेशन रेफर्स टू इम्पोजिंग सर्टेन ऑर्डर ऑन द मटीरियल यू वॉन्ट टू रिमेंबर। निमोनिक्स ऑफ दिस काइंड आर हेल्पफुल बिकॉज ऑफ द फ्रेमवर्क यू क्रिएट वाइल ऑर्गेनाइजेशन मेक्स अ रिट्रीवल टास्क फेयरली ईजी। ठीक है, तो ये आप लोगों के लिए ये वाला जो मेथड है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से एक मेथड अभी आपने पीछे पढ़ा है, चंकिंग। ठीक है, तो आप जब भी आप देखते हो स्कूल में टीचर बोल रहे होते हैं पैराग्राफ्स में डाल नहीं होता, पॉइंट्स में लिखो, पॉइंट्स में एक्चुअली में याद हो जाता है, तो पॉइंट्स का मतलब पॉइंट्स में जब आप ब्रेक कर रहे होते हो उसको चंकिंग बोलते हैं। वाइल डिस्क्राइबिंग द फीचर्स ऑफ शॉर्ट टर्म मेमोरी वी नोटेड हाउ चंकिंग कैन इंक्रीज द कैपेसिटी ऑफ शॉर्ट टर्म मेमोरी। इन चंकिंग सेवरल स्मॉल यूनिट्स आर कंबाइंड टू फॉर्म अ लार्ज चंक। For creating chunks, it is important to discover some organization principles which can link smaller units. Therefore, apart from Beagle's control mechanism to increase the capacity of STM, chunking can be used to improve memory as well. ठीक है, इसलिए जब भी कुछ बड़ा बड़ा हो ब्रेक कर दो और पॉइंट ऐसे उठाओ जो इम्पॉर्टेंट हो उस तरीके से। ठीक है, उसको ब्रेक करके इस तरीके से चलता है ना, ये पहला मेथड। एक मिनट, तो ये निमोनिक्स चंकिंग वाला हो गया ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा जो तरीका है ये आप लोगों के लिए बेटर है, मतलब प्लीज़ आप साइकोलॉजी पढ़ते वक्त से पढ़िए मत, अपने ऊपर अप्लाई भी करिए। ठीक है, तो ये एक तरीका हो गया चंकिंग। दूसरा है फर्स्ट लेटर टेक्निक। इन ऑर्डर टू एम्प्लॉय द फर्स्ट लेटर टेक्निक यू नीड टू पिक अप द फर्स्ट लेटर ऑफ ईच वर्ड यू वॉन्ट टू रिमेंबर एंड अरेंज देम टू फॉर्म अनदर वर्ड और सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल कलर्स ऑफ रेनबो आर रिमेंबर्ड इन दिस वे, विबग्योर That stands for violet, indigo, blue, green, yellow, orange, red. तो ऐसा ऐसे थोड़े थोड़े एसोसिएशन आप लोगों को स्कूल में भी सिखाए जाते हैं। जैसे वो नहीं था, कौन सा टेबल था यार, साइंटिफिक टेबल जो याद करवाते थे, उसके लिए वो बड़ा कहानी सुनाया, मेरा रामू लेके गया सामान कुछ ऐसे ऐसे करके। ठीक है, आप लोगों को स्कूल में कराया था पीरियोडिक टेबल। हाँ, क्या था उसका, क्या था रिद्धि, उसको कैसे बोलते थे? मैंने इंग्लिश में आप क्या था गूगल से
अच्छा ठीक है ठीक सही है हाँ तो ऐसा होता था मुझे यार मेरे टाइम पे नहीं था, मेरे को तो बहुत लेट पता चला था। मैंने यार पहले बता देते तो मैं पास हो जाता ना, मतलब वैसे मैं पास हो गया था क्योंकि 75 में से 73 आए थे मेरे। या ओके तो ये हम लोग खुद के लिए यूज़ करते थे। मैं अभी भी जैसे 12th वाले बच्चों को पढ़ा रहा होता तो मैं ये यूज़ कर लेता हूँ कुछ कुछ। अब जैसे 12th में एक टॉपिक आता है उसमें 7 सिस्टर स्टेट्स याद करनी पड़ती है नॉर्थ ईस्ट में, तो अब वो बच्चों को याद नहीं होती तो मैंने उनको सिखा रखा है मान MMT। ठीक है मान गए MMT मतलब मेक माई ट्रिप, से मैंने ऐसी करके याद दिला मान MMT मान मेक माई ट्रिप, चलते हैं घूम के आते हैं, तो उनसे उनको याद हो जाता है MCA ऐसे करके। ठीक है सो निमोनिक स्ट्रेटजीज फॉर मेमोरी एनहेंसमेंट आर टू सिंपलिस्टिक एंड परहैप्स अंडर एस्टिमेट कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ मेमोरी टास्क एंड डिफिकल्टीज पीपल एक्सपीरियंस वाइल मेमोराइजिंग। अब ये दिक्कत बहुत बड़ी है भाई साहब, याद ना होता है हमसे, ये बड़ी घनी दिक्कत है। अब ये घनी दिक्कत सॉल्व कैसे करेंगे, क्योंकि अपार्ट फ्रॉम ये हम लोग को बोलने में बहुत आसान है और करने में थोड़ा सा डिफिकल्ट है, और इसके बाद भी कॉम्प्लेक्सिटीज होती है बिकॉज वी डोंट नो द एक्चुअल पर्सनैलिटी ऑफ अ पर्सन हु इज ट्राइंग टू रिमेंबर अ सर्टेन थिंग। ठीक है और उसका मेंटल मेकअप क्या है, बायोलॉजिकल मेकअप क्या है, सब लोगों का डिफरेंट है। ठीक है तो इन प्लेस ऑफ निमोनिक्स अ मोर कॉम्प्रेहेंसिव अप्रोच टू मेमोरी इंप्रूवमेंट हैज बीन सजेस्टेड बाय मेनी साइकोलॉजिस्ट। इन सच एन अप्रोच एम्फेसिस इज लेड ऑन अप्लाइंग नॉलेज अबाउट मेमोरी प्रोसेस टू द टास्क ऑफ मेमोरी इंप्रूवमेंट। लेट अस एग्जामिन सम ऑफ दीज सजेशन। अब ये भी आपके लिए है तो ये ध्यान देना, वो आगे समझ। एंगेज इन डीप लेवल प्रोसेसिंग, तो हमने क्रेक एंड लॉकहार्ट की थ्योरी पढ़ी थी, वो यही बोल रहा था डीप लेवल प्रोसेसिंग। आप लोग ट्राई करना, कोई भी टॉपिक है खुद को समझाओ, पिक्चराइजेशन भी करो, पिक्चराइजेशन करो और फिर एक बार दोबारा रिपीट करो, तो डीप लेवल पे करोगे वर्ड्स को समझो तो बहुत अच्छे से याद होगा। सीरियसली कहते हैं इफ यू वांट टू मेमोराइज एनी इन्फॉर्मेशन वेल एंगेज इन डीप लेवल प्रोसेसिंग। क्रेक एंड लॉकहार्ट हैव डेमोंस्ट्रेटेड दैट प्रोसेसिंग इन्फॉर्मेशन इन टर्म्स ऑफ मीनिंग दैट दे कन्वे लीड्स टू बेटर मेमोरी एज कम्पेयर टू अटेंडिंग टू देयर सरफेस फीचर्स। अब मैंने अगर ऐसे पढ़ दिया और कुछ नहीं समझ आया तो दिक्कत है। ठीक है मैं एज इट इज़, बिकॉज थोड़ा सा मेरा स्पीड अप हो रखी है चीज़ें, मैं एज इट इज़ आपको इसको हिंदी में कन्वर्ट करके बता सकता हूँ क्योंकि मुझे पता है मेरी डीप लेवल प्रोसेसिंग साथ के साथ काम कर रही है। तो कहते हैं डीप प्रोसेसिंग उसमें ये इन्वॉल्वमेंट होती है कि जितने भी क्वेश्चंस उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के होते हैं आप उसके रिलेटेड पॉसिबिलिटी के साथ बनाइए, जितने भी क्वेश्चंस आप बना सकते हैं उसके मीनिंग मेक करिए, उसके रिलेशनशिप बनाइए, उसके फैक्ट्स के बारे में पढ़िए, तो आराम से चीज़ें क्लियर हो जाती है और ये जो नई इन्फॉर्मेशन है आपकी एग्जिस्टिंग नॉलेज का पार्ट बन जाएगा एंड आपकी जो मेमोरी इंक्रीज हो जाएगी। अब जैसे मैंने ये पढ़ा, ठीक है, क्योंकि मैं डीप लेवल प्रोसेसिंग कर पा रहा था, एंगेज इन डीप लेवल प्रोसेसिंग इस तरीके से काम करती है। सेकेंड इंटरफेरेंस को कम करिए, इंटरफेरेंस कम करनी है। इंटरफेरेंस किसी की भी हो सकती है जिंदगी में, मम्मी की, पापा की, बॉयफ्रेंड की, गर्लफ्रेंड की, किसी के भी हो सकती है, टीचर की, पेरेंट्स की, सब जगह। तो आपको इंटरफेरेंस कम करनी है। इंटरफेरेंस एज वी हैव रेड इज अ मेजर कॉज ऑफ फॉरगेटिंग एंड देयरफॉर यू शुड ट्राई टू अवॉइड इट एज मच एज पॉसिबल। अब ये ध्यान देना क्या, यू नो दैट मैक्सिमम इंटरफेरेंस कॉज वैन वेरी सिमिलर मटीरियल आर लर्न इन अ सीक्वेंस। तो रिद्धि सिफत बैठ गए, दोनों ग्रुप स्टडी कर रहे हैं सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर रात तक साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं, और पढ़ के दिमाग की दही हो जाएगी सीक्वेंस, और वो जब दही हो जाएगी तो हम पुलाव के साथ खाएंगे, तो हमने पुलाव के साथ कोक मंगवाया था बट हम दही भी खाएंगे अब। ठीक है तो एक्चुअली में होता है जब एक मटीरियल बहुत लॉन्गर टाइम से चलते हैं ब्रेन थक जाता है उसको घुसाते, तो ये सी चीज चल रही होती है। Avoid this, arrange your study in such a way that you do not learn similar subjects one after the another. Instead, pick some other subject unrelated to the previous one. If that is not possible, distribute your learning in practice. This means giving your intermittent rest periods while studying to minimize interference. And psychologically, rest periods बहुत important होते हैं। कहते हैं एक घंटे अगर आप पढ़ने बैठो, 40 minutes की deep study होती है, 20 minutes का break लीजिए। ठीक है एक्चुअली में बहुत हेल्पफुल होता है, अपना अपनी कैपेसिटी है, आप 40 की जगह 45 या 50 भी पढ़ सकते हैं, 10 मिनट ब्रेक लीजिए क्योंकि ब्रेन को रेस्ट चाहिए होता है। कभी ये करके देखना, एक दिन दो दिन निकालना, एक घंटा टाइम निकालो, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेना, 4 घंटे निकाल लो, 4 घंटे में से 40-40 मिनट पढ़ना, याद करना, 20-20 मिनट्स का ब्रेक लेना, देखना बढ़िया से याद होगा। ठीक है तो इससे ईजी रहती है चीज़ें, ये हो गया। थर्ड इन्होंने बोला गिव योर सेल्फ इनफ रिट्रीवल क्यूज, रिट्रीवल क्यूज हमें ज़्यादा से ज़्यादा देने चाहिए ताकि हमें चीज़ें याद रहे। वाइल यू लर्न समथिंग थिंक ऑफ रिट्रीवल क्यूज इनहेरेंट इन योर स्टडी मटीरियल, आइडेंटिफाई एंड लिंक पार्ट्स ऑफ द स्टडी मटीरियल टू दिस क्यूज। अब हम लोग क्या करते हैं, क्यूज ऐसे याद, यार ये वाला तो ना ये राइट हैंड साइड पर ना ऊपर लेफ्ट में कहीं लिखा हुआ था, तो ये बड़ा अच्छा क्यू होता है, इससे बहुत पता चल जाता है हमें, हम दे भी यही रहते होते, ये रिट्रीवल क्यू कभी काम नहीं आता, वो लेफ्ट हैंड साइड पर लिखा तो था ऐसे ऐसे कुछ करके। ठीक है तो ऐसा नहीं होता,
आपको थोड़ा सा डिफरेंटली चलना पड़ता है. क्यूज आप अपने हिसाब से, आप उसको पॉइंटर्स, अंडरलाइन, जैसे कीवर्ड्स होते हैं, कीवर्ड्स उठाइए, पीछे भी हमने पढ़ा, उस तरीके से आप इसको रिटेबल क्यू की तरह काम कर सकते हैं. आइडेंटिफाई देम, लिंक पार्ट्स ऑफ द स्टडी मटीरियल टू दीज क्यूज. क्यूज विल बी इजियर टू रिमेंबर कंपेयर टू द एंटायर कंटेंट एंड द लिंक्स यू हैव क्रिएटेड बिटवीन क्यूज एंड द कंटेंट विल फैसिलिटेट द रिट्रीवल प्रोसेस. इससे आपको जो भी लर्न मटीरियल है वो आराम से निकाल पाएंगे. एंड ये तो लास्ट था इसका. एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, थॉमस एंड रॉबिन्सन ने डेवलप करी थी एक दूसरी स्ट्रैटेजी टू हेल्प स्टूडेंट्स इन रिमेंबरिंग मोर, विच दे कॉल द मेथड ऑफ PQRST. ठीक है, ABCDFGHHLAJKLMNO, PQRST. PQRST इज एक्रोनिम विच स्टैंड्स फॉर, और ये भी आप अप्लाई कर सकते हो किसी भी टॉपिक को पढ़ने में, याद करने में. प्रीव्यू, खुद से क्वेश्चन करो, रीड, सेल्फ रेसिटेशन एंड देन टेस्ट. ठीक है, छोटे छोटे टॉपिक्स उठाओ, छोटे छोटे टॉपिक्स को इस तरीके से याद करो. प्रीव्यू रेफर्स टू गिविंग अ कर्सरी लुक एट द चैप्टर, फैमिलियराइजिंग वन सेंट विद द कंटेंट. अच्छा, इस चैप्टर में ये ऐसे ऐसे कर लिया. क्वेश्चन मीन्स रेजिंग क्वेश्चन एंड सीकिंग आंसर फ्रॉम वन स्टेप. इससे भी ये सीखना है, इससे ये सीखना है, इससे ये होगा. अच्छा, ये इसमें है, ये इसमें क्वेश्चन करा जाएगा. नाउ स्टार्ट रीडिंग एंड लुक फॉर द आंसर ऑफ क्वेश्चन यू हैड रेज. इसका मतलब ये यहाँ से आया, अच्छा इसका ये यहाँ से आया, इसका आंसर यहाँ से आया. एंड आफ्टर रीडिंग ट्राई टू रीराइट व्हाट यू हैव रेड एंड एट द एंड टेस्ट हाउ मच यू हैव बीन एबल टू अंडरस्टैंड. ये होता है PQRST. ये अलग से पूछते हैं आपसे, थॉमस रॉबिन्सन का. एंड एट द एंड, अ नोट ऑफ कॉशन मस्ट बी साउंडेड, देर इज नो वन मेथड दैट कैन सॉल्व ऑल प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू रिटेंशन एंड ब्रिंग अबाउट एन ओवरनाइट मेमोरी इंप्रूवमेंट. तो आप ये सोचोगे एक रात में हम बाजीगर बन जाएंगे, बाजीगर ओ बाजीगर, ठीक है, ऐसा नहीं हो पाता, तू है बड़ा जादूगर. सो इन ऑर्डर टू इम्प्रूव योर मेमरी यू नीड टू अटेंड टू वाइड वराइटी ऑफ फैक्टर्स. बहुत सारी चीज़ें देखनी होती है, जैसे आपका मेमरी, आपका हेल्थ स्टेटस, आपका इंटरेस्ट, आपका मोटिवेशन, आपकी फेमिलैरिटी. इन एडिशन यू मस्ट लर्न टू यूज स्ट्रैटेजीज फॉर मेमरी इंप्रूवमेंट डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ मेमरी टास्क यू आर रिक्वायर्ड टू अकम्पलिश. तो कई चीज़ें बड़ी टफ होती हैं, कई चीज़ें बड़ी ईजी होती हैं, यूज तो वही हो रही होती हैं. और बाकी बायोलॉजिकल सिस्टम मैंने आपको बताया था, इसके ऊपर भी डिपेंड करता है. तो कोरोना काल के अंदर आज हमने लास्ट चैप्टर ऑफ दिस योर कोर्स कंप्लीट कर लिया है. ये आपके थे निमोनिक्स जो कि हमने पढ़े, हमें ये याद रखना है. तो आई होप इट गिव्स यू मोर क्लैरिटी. रिद्धि एंड सफर, ये टॉपिक्स आप दोनों को क्लियर है? एनी डाउट? ठीक है जी. तो हमारा कोर्स सिफत के साथ मेरा कोर्स ख़त्म हो गया. रिद्धि ने लेट ज्वाइन किया था, तो रिद्धि के साथ हमें दोबारा करना है. तो हम अब इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं, बिकॉज इस वीक की तो लास्ट ही क्लास है. बाद में इसके बारे में बात करते हैं फिर, ठीक है? और देखते हैं फिर किस तरीके से क्या करना है. बीच में मेरे को टाइम मिलेगा, मैं थोड़ा सा आपको एक बीच में अलाइन कर लेता हूँ, ठीक है? तो देखते हैं क्या क्या हमें काम करना है. तो मैं दोबारा ये चीज़ कराऊंगा, प्लीज़ डोंट वरी, ठीक है? मैंने रिद्धि को भी बोला हुआ था, रिद्धि के मम्मा को भी बोला हुआ था. तो हम ये सारा एज इट इज़ करेंगे जो हमने पीछे किया हुआ है, ठीक है? ताकि एक रिविजन भी हो जाएगी और अंडरस्टैंडिंग भी हो जाएगी, ठीक है जी? आज के लिए फ़िलहाल मैं आपसे अलविदा चाहता हूँ. मिलते हैं कुछ दिनों के ब्रेक के बाद. थैंक यू वेरी मच सर. सर, हेल्प करनी थी.